हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉन्सिलाइटिस, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो हमारे आप तक बड़ी आसानी से पहुँच सके। मैं आज आपको टॉन्सिलाइटिस बताता हूँ और साथ में बताऊँगा क्विंसी क्या होता है। आखिर टॉन्सिलाइटिस बार बार क्यों होता है, बच्चों को क्यों होता है, एडल्ट में भी कभी कभी बड़ों में हो जाता है, क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं, चलिए देखते हैं पूरी वीडियो। मुंह खोलो बेटा। वेरी गुड। ओके। ये टंग वाइट कॉटेड टंग है और ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी में पानी की हल्की सी कमी है, क्योंकि वाइट लेयर जो लग रही है, वाइट लेयर जो टंकी ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल चल रहा है, यानी कि प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि टॉन्सिलाइटिस क्या है। बेटा आप बोलो, जीभ और बाहर निकलो, टंग। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ये देखिए आपको यूबुला ऊपर आपको दिख रहा है, एक छोटा सा ऊपर साइड से। जो आपको समझ में आ गया होगा टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। टॉन्सिलाइटिस यानी कि स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल्स, और टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो जाती है, वही टॉन्सिलाइटिस होता है। तो गाइस देखते रहिए पूरी वीडियो, आज टॉन्सिलाइटिस में क्या इन्फ्लामेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये आपका हार्ड पैलेट इस साइड में है, और ये आपका सॉफ्ट पैलेट, यहाँ से नीचे अगर जाते हैं तो सॉफ्ट पैलेट से सॉफ्ट पैलेट है। आप बोलो बेटा आ। ओके, जी बाहर निकल लो। वेरी गुड। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये वाइट कॉटेड टंग है, ये इसका मतलब है कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पेशेंट का, बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ओके, ये आपका लेफ्ट चीक इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन है, और ये आपकी राइट चीक का इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन है। ओके, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और अंदर जाते हैं। अब बोलो बेटा, मुंह ऐसे करो। ओके ओके, वेरी गुड। जी बाहर निकल के आप बोलो। ओके, ये देखिए सामने हमको ओरोफेरिंग्स दिख रहा है, और ये आपको राइट टॉन्सिल दिख रहा है, ये वाला, ये आपको राइट टॉन्सिल है, और ये इस साइड में आपका लेफ्ट टॉन्सिल है, ये वाला आपको लेफ्ट टॉन्सिल है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके, कोई परेशानी तो नहीं हो रही बेटा? ओके, जी आपको ये जो दिख रहा है आपको, ये यू बोला है। ओके, राइट टॉन्सिल, लेफ्ट टॉन्सिल, अगर यहाँ पर किसी किसी को आप देखिए, आप खुद घर पर भी एग्जामिन कर सकते हैं। ऐसे करो, ऐसे ऐसे दबाओ, ऐसे, वेरी गुड, ऊपर निकलो। ओके, वेरी गुड। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉन्सिल जो होते हैं बच्चों को, टॉन्सिल्स में कभी कभी एक वाइट कलर का पस पड़ने लगता है, पस यानी कि छोटे छोटे दाने दिखने लगते हैं येलो कलर के, कभी कभी वाइट भी दिखते हैं, सफ़ेद भी दिखते हैं। तो यह जो वाइट या पीले कलर के जो दाने होते हैं, इसको हमारे लैंग्वेज मेडिकल मेडिकल भाषा में इसको क्विंसी बोला जाता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन तभी होता है जब हम कंटामिनेटेड कोई वाटर इंटेक कर रहे होते हैं, या कंटामिनेटेड जो फूड होता है उसको इंटेक कर रहे हो, कंटामिनेटेड पानी या फिर खाना, जो भोजन हम करते हैं वो कभी कभी कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड से संबद्ध है कि जो अच्छे तरीके से साफ नहीं है और जो अच्छे तरीके से धुला हुआ नहीं है, ये कंटामिनेटेड वाटर होता है। अब हम बात करते हैं इसके नॉस्टेल की। नॉस्टेल आप देख सकते हैं, ये दोनों नॉस्टेल्स आपके क्लियर हैं। बेटे आपको जुकाम रहता है कभी? ओके, यहाँ पर आपको कभी दर्द होता है इस जगह पर? नहीं होता। ओके, इस जगह पर कभी दर्द होता है? होता है। ओके, यहाँ पर दर्द होता है कभी? ओके, ये जो है ये टॉन्सिल्स का एरिया होता है, दोनों साइड में टॉन्सिल्स का एरिया है, और इसको नेजल साइनस वगैरह भी नॉर्मल है, कुछ नहीं है। कभी कभी जुकाम खांसी इसको हो जाता है, वो नॉर्मल खाने पीने की वजह से भी कभी कभी हो जाता है, और इसको टॉन्सिल्स ज़्यादा रहता है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम इसको ज़्यादा रहती है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम इसको ज़्यादा रहती है।
अब आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप टॉन्सिलाइटिस से बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉन्सिलाइटिस से बचने का एक सबसे अच्छा उपाय है वो ये होता है कि आप कंटामिनेटेड वाटर कभी ना यूज करें। कंटामिनेटेड वाटर यूज करने से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो बड़ी आसानी से गले में हो जाता है। दूसरा, पानी जब भी पिए आप उगला हुआ पानी पिए, उबाल करके पानी ठंडा करें और उस पानी को यूज करें। दूसरा, तीसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छा है, गुनगुना पानी, हल्का सा गुनगुना पानी यूज करें। गुनगुना हल्का सा गुनगुना पानी पिए और सुबह मॉर्निंग में गुनगुना पानी डेली पिए तो ज़्यादा बेटर है। चौथा, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको ये परेशानी आती है टॉन्सिलाइटिस, आपको या कभी बच्चों को, जब भी किसी को भी अगर ये टॉन्सिलाइटिस की परेशानी आती है, तो इस टॉन्सिलाइटिस से बचने के लिए गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल करके उससे गार्गल्स करना चाहिए, गरारे करना चाहिए। गार्गल्स करने के बाद में अगर उस पानी को हम इंटेक कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, तो भी कोई परेशानी नहीं है, या फिर उसको बाहर निकाल देना चाहिए। ओके, खाना, जब भी अगर आप खाना खाते हैं तो उस खाने में आप हमेशा याद रखिए कि ज़्यादा नमक मिर्ची नहीं, ज़्यादा मिर्ची नहीं होना चाहिए, हल्का, ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। और कभी भी बिना मुंह धोए, बिना ब्रश किए हुए आपको खाना नहीं खाना है। छठवां, मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप खाना खाएं तो उसको अच्छे तरीके से पकाने के बाद ही उसको यूज करें, या घर में जो भी खाना बनाते हैं तो उनसे बोलिए कि अच्छे तरीके से खाने को पकाएं, देन उसके बाद में आपको यूज करना है, फूड इंटेक करना है। इस तरीके से आप टॉन्सिलाइटिस से बच सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आती है टॉन्सिलाइटिस से रिलेटेड, तो आप अपने फिजिशियन से तुरंत कंसल्ट कर लीजिए, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और इससे रिलेटेड जो भी परेशानी है आप उसको तुरंत देखें। ओके गाइस, तो ये था टॉन्सिलाइटिस, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्विंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्विंसी क्या होता है और हम इसको कैसे बचेंगे। क्विंसी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से बच्चों को या बड़ों को कई सारी परेशानियां होती हैं और आजकल ये कॉमन होता जा रहा है। बेटा आ करो। तो गाइस, ये वीडियो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे, क्या टॉन्सिलाइटिस था और क्या क्विंसी होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम क्विंसी से बचेंगे, क्या प्रिवेंशन रखने हैं आपको, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्विंसी क्या होती है, पूरी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूं मैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।